राजा, पुणे की टीम का गेम बहुत ऑफेंसिव है, हमें अपना डिफेंस बहुत मजबूत रखना होगा। इसलिए मनु और आनंद फुल बैक पे रहेंगे और फॉरवर्ड अटैक के साथ साथ फॉल बैक भी करेंगे। अरे चलो यार, फील्ड पर गेम की प्लानिंग बनाएंगे। तुम लोग चलो, मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। हाँ यार, कैप्टन जो है सोलो एंट्री मारेगा। चलो हेलो राजा। हेलो, टॉस करे राजा? टॉस तो फील्ड पर होगा शक्ति। टॉस, गेम और फैसला, ये सब तो फील्ड पर होता है। लेकिन हम हार जीत का फैसला खेल के पहले कर लेते हैं, क्योंकि हमें हारने की आदत नहीं। नहीं है तो डाल लो, क्योंकि हराने की आदत हम में तो है। माय बॉय, देखो मधु, तुम्हारी नादानी इस लड़के की जान ले लेती। नहीं इंस्पेक्टर साहब। डॉन वरी राजा, हमने पूना टीम के कैप्टन को गिरफ्तार कर लिया है। उसने कबूल किया है कि इस लड़की के कहने पर ही तुम्हारे ऊपर उसने फिजिकल असॉल्ट किया था। उसने यह भी कहा कि तुम्हारे सामने ही इसने उसे पैसे दिए थे। तुम्हारी स्टेटमेंट लेने के बाद हम उस पर भी एक्शन लेंगे। एक्शन? हम इस लड़की पर ऐसा एक्शन लेगा कि इसको किसी कॉलेज के अंदर एडमिशन नहीं मिलेगा। हमारे कॉलेज के बेस्ट प्लेयर को इंजर्ड कर दिया, हम इसको रस्सी कट कराएगा। बोलो राजा, तुमने क्या देखा? इसने शक्ति को पैसे दिए? इंस्पेक्टर साहब, मैंने इस लड़की को उस एरिया में देखा तक नहीं। What are you talking? मैं सच कह रहा हूँ सर, मैंने इन्हें पैसे देते हुए नहीं देखा। राजा, तुम एक ऐसी लड़की को बचा रहे हो जो तुम्हारी जान तक लेने पर तुल गई थी। सर, अगर किसी के चाहने से किसी की जान चली जाए तो इस दुनिया में गिनती के लोग रह जाएंगे। मधु ने ऐसा कोई काम नहीं किया। ओके मधु, अब तुम जा सकती हो। अच्छा राजा, थैंक यू वेरी मच। चलिए प्रिंसिपल साहब। चलिए। क्या राजा, तू क्या समझता है?
हीरो बन गया, जैसे हिंदी फिल्मों में हीरो हीरोइन को बचा लेता है झूठा बयान देकर। मैं कोई हीरो नहीं, इंसान बनने की कोशिश कर रहा था उस लड़के के लिए जिसका इंसानियत से कोई वास्ता ही नहीं। वास्ता है इंसानियत से उसका, बस घमंड का खोल चढ़ा हुआ है। मैं नहीं चाहता था कि उसकी एक नादानी की वजह से उसे इतनी बड़ी सजा मिले कि उसका करियर बर्बाद हो जाए। शीतल, इंसान सजा मिलने से गलतियां करना नहीं छोड़ता, बल्कि गलती के एहसास से गलतियां करना छोड़ता है। बंसी काका, राणा जी कहाँ गए? शिकार पर। ने शिकार हाथ से जाने दिया, वो भी जख्मी। अब वो बहुत खतरनाक हो गया है, धोखे से हम पर भी हमला कर सकता है। इस जख्मी जानवर को घुटने पर रेंगते हुए देखकर मुझे एक बात याद आई कि दुश्मन को कभी जान से नहीं मारना चाहिए, उसे इसी तरह जख्मी करके छोड़ देना चाहिए ताकि जब कभी उसके घाव में टीस उठे तो हमें याद करके जिंदगी भर कांपता रहे। आपका इशारा आपके दुश्मन सूरज भाई। नाम मत लो उसका। उसका नाम सिर्फ हम लेंगे और वो भी उसे मिट्टी में मिलाने के बाद।
भी। उठो 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 उठो, तैयार है दैया? कैसा काटा है कुत्ते ने? ए लड़की, वो कुत्ता नहीं, चीता था। हाँ हाँ, हम जानते हैं, हम इसी जंगल में रहते हैं और ऐसे जानवर को कुत्ता ही कहते हैं। अब यहाँ बैठे बैठे क्या उसके वापस आने का इंतजार कर रहे हो? चलो उठो, हमारे साथ चलो, हमारा घर पास ही में है, तुम्हारे घाव की दवा दारू करनी पड़ेगी। नहीं, हम डॉक्टर के पास जाएंगे। कैसे आदमी हो तुम, आधी रात को डॉक्टर कहाँ मिलेगा? और वहाँ पहुँचते पहुँचते कहीं तुम ऊपर पहुँच गए तो? ए, सुनो, देखो, हमें ज्यादा बात करने वाले लोग पसंद नहीं है। चलो अब उठो, हमारे साथ चलो, जल्दी उठो, चलो चलो। बहादुरी दिखाने का मजा मिल गया? भला बताओ, कोई बात हुई? आधी रात को कोई जंगल से गुजरता है क्या? चलो गुजरना पड़ भी जाए तो गाड़ी नहीं रोकता, अगर गाड़ी रोकनी भी पड़ जाए तो उससे नीचे नहीं उतरता। मान लो नीचे उतर भी गए तो हाथ में हथियार तो होना चाहिए, अगर हथियार ना भी हो तो कम से कम होशियार तो रहना चाहिए ना। हाँ इसमें इतना हंसने की क्या बात है? चलो हम तुम्हें दवा लगा देते हैं। तुम बहुत बहादुर और प्यारी लड़की हो, तुमने हमारी जान बचाई और अब सेवा भी कर रही हो, लेकिन अभी तक अपना नाम नहीं बताया। हमने तुमसे तुम्हारा नाम पता पूछा? नहीं पूछा ना, बस तुम्हें मुसीबत में देखा तो सोचा पल्लवी इनकी मदद करो। वैसे हमें अजनबियों से जान पहचान का कोई शौक नहीं है, पल्लवी को तो सभी जानते हैं। ओ, तो तुम्हारा नाम पल्लवी है, बहुत अच्छा नाम है। अच्छा पल्लवी, ये बताओ कि हम तुम्हारा शुक्रिया किस तरह अदा करें? अगर तुम वक्त पर नहीं आ जाती ना तो चीता तो हमारी जान ही ले लेता। हमें उसकी चिंता नहीं थी, हम तो ये सोच के घबरा रहे थे कि कहीं शेर तुम्हें सफा चट कर जाता ना तो तुम्हारे बाल बच्चों का क्या होता। अरे रे, कहाँ जा रहे हो? भाई घर जा रहा हूँ। फिर वही बात, इतनी रात गए? कमाल के आदमी हो। अरे चलोगे फिरोगे तो खून निकलेगा, कुछ समझते ही नहीं हो। देखो पल्लवी, एक तो तुम बड़बड़ बहुत करते हो, ऊपर से किसी की सुनते नहीं हो। हमने कहा आराम करो, तुम यूट की तरह खड़े हो गए। अब सुनो, जो हम कहेंगे तुम वही करोगे, समझे? जी समझ गया। तो बैठो और आराम करो, हमें नींद आ रही है। ठीक है, जैसा तुम कहती हो, तुम्हारी बात तो माननी ही पड़ेगी। हे भगवान, एक मिनट भी चुप नहीं रह सकते, पता नहीं कैसे इतनी बड़बड़ कर लेते हो। मैं तो जरा सा बोल लूं तो मेरे जबड़े दुखने लग जाते हैं। हाँ? अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? बैठ जाओ, हमें नींद आ रही है। लो, बैठ गया। हाँ ठीक है, अब हम सोते हैं। God bless you.